Hello student, how are you? I hope all are fantastic. Students, आज मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आई हूँ, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपकी मम्मा के लिए. तो ये वीडियो आप किसको दिखानी है? मम्मा को दिखानी है और मम्मा देखेंगी, ठीक है. हेलो पेरेंट्स, आई होप ऑल आर फाइन. पेरेंट्स, आज मैं ये मदर्स के लिए वीडियो बना के लेके आई हूँ. मदर्स, आप इस वीडियो में आपको मैं ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप कैसे खुश रह सकें घर पे. बच्चे भी हैं, वर्कलोड इतना ज्यादा है, चिड़चिड़ा सापन हो गया ना, और इतना वर्कलोड है, बच्चों को होमवर्क कराना, हस्बैंड का खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का भी काम, ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस, और विथ व्हाट्सएप पे जो वर्क आता है उसे पेंडिंग करना, उसे टाइम टू टाइम अटेम्प्ट करना, बच्चा कैसे अटेम्प्ट करे. अगर बच्चे को फोन दे दिया जाता है तो बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की बजाय वो गेम्स खेलना शुरू कर देता है. पबजी का फैन है, इतनी सारी गेम्स ओपन करके खेलना शुरू कर देता है कि आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते. जैसे ही वो गेम ओपन करता है तो आप देख लेते हो, अगर वो गेम खेल रहा है तो आप डांटना शुरू कर देते हो ना डांटना शुरू, तो बच्चा क्या हो जाता है, रोना शुरू कर देता है. आप फोन छीन लेते हो तो बच्चा रोता है कि मुझे फोन दे दो, रोना शुरू कर देता है ना. तो हम बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, या आप अपने आप को कैसे मैनेज करें कि बच्चे भी खुश रहें, आप भी खुश रहें और आपका परिवार भी खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ. आई होप कि आपको पसंद आएंगे. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा. फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा सा लेके आऊंगी. पेरेंट्स, मदर्स, मैं आपके लिए 5 टिप्स लेके आई हूँ. फर्स्ट टिप इज अपनी केयर करें. सबसे पहले आपको अपनी केयर करनी है. आप क्या करती हैं, सुबह स्टार्ट हो जाती है, सुबह से आपका रूटीन स्टार्ट ऐसा होता है कि शाम तक आते आते जब हस्बैंड घर पे आता है तो एक चेहरे पे अजीब सा, जैसे कि गुस्से वाला चेहरा होता है, कि ये खुशी सी नहीं होती चेहरे पर, थक के मारे चेहरा और पूरा शरीर टूट जाता है शाम तक. तो आपको फ्रेशनेस के लिए क्या करना है, आपको अपनी केयर करनी है. सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप बच्चों को फ्रूट्स काट के देती हैं तो फ्रूट्स आप खुद भी खाएं. आप बच्चे को फ्रूट्स देती हैं, बच्चा गेम खेल रहा होता है, फ्रूट्स काट के दे दिए, छुट्टी नहीं. आप अपनी केयर करेंगी तो बच्चे की केयर होगी. आप बच्चे को फ्रूट्स देते हैं खाने के लिए, आप खुद भी खाएं. आप बच्चे की प्लेट में शेयर कर रहे हैं, अलग से शेयर कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप एक पीस खुद खाएं, एक पीस बच्चे को कहें खाने के लिए, और कंपटीशन करें कि देखते हैं कौन पहले फिनिश करता है. ठीक है, आप अपनी केयर करेंगी तो सब ठीक होगा. सेकेंडली, इमोशनल टच. स्टूडेंट ने क्या करा है, जो बच्चे होते हैं ना उनका एक इमोशनल टच होता है, जैसे हमारे अंदर है, इमोशनल है, फीलिंग्स है, हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं लेडीज. तो बच्चों के अंदर जो इमोशनल कॉलम है ना वो भरता जा रहा है. उसकी जगह किन चीजों ने ले लिया है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, गेम्स, इन सब चीजों ने क्या किया, जो इमोशनल जो है ना बच्चों के अंदर वो भर चुका है पूरा. तो हम भी क्या करते हैं, जो बच्चों के पास होता है, हम गुस्सा आता है, हम डांटते हैं उन्हें, पनिश भी करते हैं, डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं. तो इससे क्या होता है कि बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप भी चिड़चिड़े हो जाते हैं. रिसर्च के अनुसार पता चला है कि बच्चे को अगर हग किया जाए या बच्चे के कमर पे हाथ फेर दिया जाए तो जो होता है ना बच्चों को एक फीलिंग्स, अच्छी सी फीलिंग आती है. तो बच्चे के पास आप बैठे, उसे प्यार करें, आप भी खुश होंगे, देखना बच्चा भी खुश होगा. आप बच्चे को प्यार से सहलाएंगे ना कमर पे हाथ फेर कर, तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, बच्चे को लगेगा मेरी माँ, कुछ इमोशनल टच अपने आप ही उभर के आ जाएगा. थर्ड इज, दूसरों को खुश करना छोड़ दे. मैं ये नहीं कहती अब दूसरों में अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को, नहीं, दूसरे मतलब रिश्तेदार, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं या फिर आस पड़ोस के होते हैं, उन्हें खुश करना छोड़ दे. आप अपने आपको खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें, दूसरों की चिंता छोड़ दें. फिफ्थ इज, मेडिटेशन करें. सुबह उठ के आप मेडिटेशन करें, आपको देखेगा ना आपका बेटा या बेटी कि मम्मा तो मेडिटेशन करती है, वो भी बैठ जाएंगे करने के लिए. तो मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से आपका माइंड भी शार्प होगा और आप फ्रेशनेस फील करेंगे. देखना, मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज है. मैं भी लास्ट 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ ब्रह्म कुमारी जी का, आप भी ट्राई कीजिए. कई मेडिटेशन वीडियोस भी आती हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे दिखाई देती हैं. तो आप मेडिटेशन करें, इससे क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे.
और बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। सबसे पहले आप अपनी केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें, अपने हस्बैंड की केयर करें। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे पहले आपकी केयर करना जरूरी है। तो आपकी केयर कौन करेगा? आपके लिए कोई नहीं है, आपको अपनी केयर खुद से करनी है। तो प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप अपनी केयर करेंगी। थैंक यू।